इस क्लास में हम पैकिंग को फिर से देखेंगे। पैकिंग मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो कुछ पॉइंट्स थे जो बच्चों को समझ नहीं आए, तो एक बार मैं फिर आपको पैकिंग समझा। तो पैकिंग में क्या है, हमने सबसे पहले एटम को 1D में रखा। 1D का मतलब है, लाइन से देखो, हमने एक एटम को रख दिया। अब जब हम 2D में एटम को इधर रखेंगे, तो अब इसको रखने के तीन टाइप है। पहला टाइप क्या है कि हमने सारे एटम्स को एक लाइन में रख दिया 1D में, और 2D में भी आप देख सकते हैं एक लाइन में रख दिया, ये भी एक लाइन में। तो अब इनके बीच में हमने एक एटम के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा एटम रख दिया, तो ये जो बीच में होल बचा है इसको क्यूबिक होल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक होल। और इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों, इससे 4 एटम अटैच है, 1, 2, 3, 4। और इस पैकिंग को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। अब 1D से 2D में जाने पर दूसरा अरेंजमेंट ये है कि फर्स्ट डी में 1 प्लेन में एटम के बीच में हमने डिफरेंस रखा हुआ है, और दूसरे एक्सिस पर भी ऐसा ही किया हुआ है। इस वाली पैकिंग को हम BCC पैकिंग कहते हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर के एटम आपस में टच नहीं कर रहे हैं। और बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट पैकिंग एल्कली मेटल्स में मिलते हैं। अब तीसरा अरेंजमेंट, तो हमने क्या किया, फर्स्ट लेयर के स्फीयर को तो 1D में तो ऐसे ही रख दिया, पर जब हमने 2D में एटम रखा, तो इस वाले केस में तो हमने एग्जैक्ट ऊपर रखा था। अब हमने क्या किया, दो एटम से जो ये स्पेस बचा उस स्पेस पर रखा। तो देख सकते हैं आप, सारे स्पेस पर रखे हुए हैं, और थर्ड लेयर को वापस से बी के एग्जैक्ट रखा, फिर ऐसे। अब हमने देखा कि ये हेक्सागोनल पैकिंग बन गई, और क्यों बन गई, क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम है वो 6 एटम से डायरेक्टली अटैच है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हेक्सागोनल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। तो हम चलेंगे आगे, अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर के एटम्स को रखें। हमने क्या किया, इस BCC पैकिंग को लिया, और जब इसके ऊपर सेकेंड लेयर के एटम्स को रखा, तो हमने इस तरह अरेंज किया, देख सकते हैं डॉटेड लाइन से, कि उस एटम ने फर्स्ट लेयर के 4 एटम को कवर कर रखा है, टच कर रखा है। तो सेकेंड लेयर वाले एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी 2D, ठीक है ना, 2D हो जाएगी। अब हमने क्या किया, थर्ड लेयर को रखा, तो थर्ड लेयर को मैं आपको रख कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये थर्ड लेयर के एटम्स को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। तो हमने थर्ड लेयर के एटम्स को कैसे रखा, हमने थर्ड लेयर के एटम्स को इस तरह रखा कि उसने फर्स्ट लेयर के ए एटम को पूरा फुली कवर कर लिया, आप देख सकते हैं ये। तो इसने इसको फुली कवर कर लिया, तो अब फर्स्ट लेयर और सी लेयर तो सेम हो गई, और बी लेयर डिफरेंट। बी लेयर कैसी है, डिफरेंट, ओके। तो हम चलते हैं और देखते हैं, इसको दूसरी जगह भी रख कर देख लेते हैं कि अगर हम पड़ोस वाले पे रखें तो कैसा दिखेगा। तो हमने जब पड़ोस वाले पे रखा और देखा, ठीक है ना, तो ये हमको ऐसा दिखे, और ऐसे ही ये इस पर रखा, तो आप देख सकते हैं हर बार ब्लैक कलर के एटम ए लेयर को कंप्लीट सराउंड, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम हो जाएगी, बी एक बात और, अब ये जो बी एटम है वो देख सकते हैं आप कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो बी एटम है वो आप देख सकते हैं टोटल 4 तो नीचे और 4 ऊपर, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ए बी टाइप की पैकिंग है, इसको क्या कहेंगे, ए बी टाइप की पैकिंग, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा BCC पैकिंग। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BCC पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो BCC पैकिंग में बी
चार नीचे लेयर पे, चार ऊपर वाली लेयर पे कनेक्टेड होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम है, फर्स्ट और सेकंड अलग है, इसलिए इसको एबी पैकिंग भी कहते हैं। तो ये वाली जो पैकिंग है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। और ये वाली पैकिंग को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बीसीसी पैकिंग, ठीक है ना। और इस वाली पैकिंग का नाम क्या है, इस वाली पैकिंग का नाम है हेक्सागोनल पैकिंग। अब हम हेक्सागोनल को देखेंगे, ठीक है ना। हेक्सागोनल पैकिंग में जब हम सेकंड लेयर के स्फीयर्स को रखते हैं तो हम देख सकते हैं हमने एटम को इस तरह रखा है कि उसने दो वॉइड बनाई है। ये जो ओ लिखा हुआ है ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और जहाँ टी लिखा हुआ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देख सकते हैं 6 एटम से मिलकर बनी हुई है, 3 डार्क ब्राउन सर्किल है और 3 लाइट सर्किल है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, जबकि आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड 1 डार्क सर्किल से और 3 लाइट सर्किल से बनी हुई है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हम इससे थर्ड लेयर रखना शुरू करेंगे, तो हम चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। हम हेक्सागोनल में थर्ड लेयर रखेंगे जिससे हमारी दो टाइप की पैकिंग बनेगी, जिससे हमारी दो टाइप की पैकिंग बनेगी, ओके। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, थर्ड लेयर के एटम को हम या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दें या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख दें। तो हमने पहले इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कवर किया, ठीक है ना। मैं इस एटम को उड़ा देता हूँ, वापस से आपको दिखा देता हूँ। अब देखो हमने क्या किया, इस एटम को ले जाकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे देखो ये रख दिया। तो अब ना तो फर्स्ट लेयर इसके ऊपर एग्जैक्ट है, ना ही सेकंड लेयर और ना ही थर्ड लेयर, इसलिए इस पैकिंग को एबीसी पैकिंग और सीसीपी पैकिंग कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तीनों ही लेयर आप देख सकते हैं अलग अलग, ये है हमारी फर्स्ट लेयर, ये है हमारी सेकंड लेयर, और जो ब्लैक कलर के डॉट हैं ये है हमारी कौन सी, थर्ड लेयर। लेकिन अगर हम ब्लैक सर्किल को टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इस एटम को लिया और इस टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख दिया। जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो इसने फर्स्ट लेयर के स्फीयर को पूरा ओवरलैप कर लिया, मतलब इसको पूरा ढक लिया। तो अब क्या हुआ, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट वाले के ऊपर है। ऐसी पैकिंग को हम HCP और AB पैकिंग कहते हैं, जिसमें ये एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा हुआ था उसको हम CCP और ABC पैकिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं देखें। हेक्सागोनल पैकिंग में फर्स्ट लेयर में केवल ट्राइगोनल वॉइड होती हैं, 3 एटम से बनी हुई होती है, जबकि सेकंड लेयर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। अगर हम थर्ड लेयर के एटम को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख देते हैं तो CCP पैकिंग क्रिएट होती है, और अगर हम थर्ड लेयर के एटम को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख देते हैं तो HCP पैकिंग प्रोड्यूस होती है। ये JEE और NEET में आने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आप इसको रट, ठीक है ना। सारी पैकिंग ABC टाइप की है, सिर्फ एक ही पैकिंग है CCP जो ABC टाइप की, ठीक है ना। तो हमने ट्राइगोनल वॉइड देख ली, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख ली, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड भी देख ली। अब मैं आपको लास्ट क्यूबिक होल और दिखा देता हूँ। ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसको हम AA पैकिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं देखना, क्योंकि ये हमने जो ये एटम रखा ये एग्जैक्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा हुआ है, और
तो बिल्कुल एग्जैक्ट देखो, फर्स्ट लेयर के ऊपर ही रखा हुआ है सेकंड लेयर का एटम, इसलिए हम इस पैकिंग को ए पैकिंग कहते हैं। और इससे जो वॉइड क्रिएट हो रही है, जो ये वॉइड क्रिएट हो रही है, इसको हम क्यूबिक होल पैकिंग भी कहते हैं। ओके, इसको हम क्यूबिक होल पैकिंग भी कहते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मींस होता है कि एक एटम डायरेक्टली कितने एटम से डायरेक्टली कांटेक्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बी एटम है ये डायरेक्टली फोर एटम के कांटेक्ट में है, इसलिए बी की कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगी, ठीक है ना। 2D में अगर हम ए के ऊपर वापस से एटम रख दें तो 3D में इस बी की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। तो BCC के कोऑर्डिनेशन नंबर अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखी थी, 8 होती है। BCC के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है और HCP और CCP की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम देखते हैं इसका यूज क्या, ठीक है ना। तो जो सबसे सिंपल टाइप की पैकिंग होती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। ये बहुत ही रेयर पैकिंग है और नहीं मिलती है, इसको ए टाइप की पैकिंग भी कहते हैं या स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है। ये 52.4% स्पेस कवर कर लेती है और इसको प्रिमिटिव पैकिंग कहते हैं। सेकेंड पैकिंग का नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एल्कली मेटल्स में मिलती है। तो एल्कली मेटल्स में जो पैकिंग मिलती है वो कौन सी, वो होती है BCC पैकिंग। इसको ABAB टाइप की पैकिंग कहते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेयर डिफरेंट होती है लेकिन थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर सेम होगी। इसकी एफिशिएंसी 68.8% होती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में निकाल कर बताई थी। और इसका फॉर्मूला आता है √3 × π/8 × 100, और ये बॉडी सेंटर्ड होती है। HCP पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और ये इम्पॉर्टेंट जिंक में मिलती है, इसको भी हम ABAB पैकिंग कहते हैं। और ये 74% स्पेस कवर करती है। इसका फॉर्मूला होता है √2 × π/6 × 100, जो 74 के बराबर होती है, ठीक है। अब आई हमारी FCC और CCP, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। और आप देख सकते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि कॉइनेज मेटल, कॉइनेज का मतलब सिक्का धातु जिनसे हम कॉइन बनाते हैं, उनके अंदर FCC और CCP पैकिंग मिलती है और ये एकमात्र ABC टाइप की पैकिंग है। और इसकी भी एफिशिएंसी 74% होती है, जो इक्वल होती है √2π/6 के। मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ जो आपको आनी चाहिए। B2O3 की कोऑर्डिनेशन नंबर 3/3 है, मतलब बोरॉन 3 ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन 3 बोरॉन से सराउंडेड होगा। जिंक सल्फाइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब है जिंक 4 सल्फर से और सल्फर 4 जिंक से। NaCl एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर है और कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि एक Na6Cl से और एक Cl भी 6Na से होगा। सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, सीजियम 8 क्लोरीन से और क्लोरीन 8 सीजियम से अटैच होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्लोराइड। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, जो मैं बाद में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करूँगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे CaF2 भी पहचान लेते हैं, वहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 8/4 है या 4/8। तो बच्चों इसको याद कैसे करते हैं, जो कम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा, क्योंकि कैल्शियम 1 था इसलिए 8 होगी, फ्लोरीन 2 थे इसलिए 4 होगी। और इसको कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, क्योंकि कैटायन नंबर में 2 है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ऑक्सीजन सिंगल है इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम NaCl क्रिस्टल पर प्रेशर लगा दें तो क्या होगा, क्योंकि प्रेशर में और कोऑर्डिनेशन नंबर में आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है।
तो जैसे हम NaCl पर प्रेशर बढ़ाएंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बढ़कर 8-8 हो जाएगी और NaCl सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेगा। ये क्वेश्चन नीट में सिर्फ यही आ सकता है, जबकि IIT में ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि सीजियम क्लोराइड को गर्म कर दें तो वो 6-6 भी हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है और 3-3 भी हो सकता है, या जिंक सल्फाइड पर प्रेशर लगा दें तो वो 6-6 भी हो सकता है, 8-8 भी हो सकता है। पर सिंगल चॉइस में और जेई मेंस में यही क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl पर अगर प्रेशर बढ़ा दें तो इसकी स्ट्रक्चर किसके जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो। अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो में रिलेशन। रेडियस रेशियो का मींस क्या है, जब हम कैटायन की रेडियस को एनायन की रेडियस से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको रेडियस रेशियो कहते हैं। ये टॉपिक CBSE बोर्ड में नहीं है इस समय, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब रेडियस रेशियो की बच्चों वैल्यू अगर इसके बीच में आ जाए तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगी, और उसमें कौन सी बॉइड होगी, उसमें बच्चों बॉइड होगी ट्राइगोनल बॉइड होगी, और ट्राइगोनल बॉइड की नंबर बच्चों 8 होती है। ये सिर्फ जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है और नीट में आज तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पर एटम के लिए कितनी ट्राइगोनल बॉइड होती है, पर एटम के लिए 8 ट्राइगोनल बॉइड होती है। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में हुई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप जानते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड की होती है, और वन एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल बॉइड होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है 12th और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए, और इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ZnS। अब अगर रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है, और वन एटम के लिए हमेशा एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। अब लास्ट अगर रेशियो इसके बीच में आ जाए 0.732 से लेकर 1 के बीच में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, और इससे जो वॉइड बनती है वो क्यूबिक होल होती है। वो कौन सी होती है, क्यूबिक होल, और क्यूबिक होल की नंबर भी ठीक है ना 1 होती है, मतलब एक एटम के लिए 1 क्यूबिक होल होगा। क्वेश्चन कैसे, और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। कम से कम बच्चों आपको NaCl के बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए कि NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, और रेडियस रेशियो ऐसा होता है। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है जो कहता है क्या कि दो आयन्स हैं ए बी जिनकी रेडियाई 88 और 200 पिकोमीटर, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें उसका रेडियस रेशियो पता होना चाहिए, तो हमने रेडियस रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया और इसमें वैल्यू पुट करी। कैटायन की वैल्यू है 88 पिकोमीटर और एनायन की वैल्यू 200, इसको डिवाइड किया तो वैल्यू 0.44 आ गई। तो बच्चों बताओ 0.44 किसके बीच में आई, 0.44 आई इसके बीच में। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी और NaCl स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब हम इसका पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सॉलिड है जिसकी स्ट्रक्चर NaCl के जैसी है। जैसे ही उसने NaCl हमको बताया, हमको दो बातें क्लिक कर गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और रेडियस रेशियो इतना। अब हमने आगे पढ़ा, अब वो कहता है इफ़ रेडियस ऑफ कैटायन इज 140 पिकोमीटर, कैटायन की रेडियस 140 पिकोमीटर है तो एनायन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल। तो हमने क्या किया, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला लिखा, NaCl से हमने हिंट लेकर इसका रेडियस रेशियो लिख दिया। अब हमने क्या किया, एनायन की रेडियस निकालने के लिए एक बार इसको 0.414 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 338 पिकोमीटर। तो एनायन का मैक्सिमम साइज 338 पिकोमीटर। दूसरी बार हमने इसको 0.732 से डिवाइड किया तो 191 आ गया, तो एनायन का मिनिमम साइज 191। तो ये रेंज हो गई। अगर
लेकिन उसने हमसे सिर्फ मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम पूछा था इसलिए इसका आंसर 338 हो जाएगा। पर बच्चों अगर क्वेश्चन में वो कुछ भी मेंशन नहीं करता और सिर्फ कहता एनाइन के रेडियस निकालो तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, क्यों? छोटा तो कितना भी आ सकता है पर बड़ा 338 से बड़ा नहीं आ सकता। तो हमने तीन टॉपिक आज डिस्कस किए हैं, पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइड और डिफेक्ट।